अक्सर देखा होगा कि कई चीजों से जुड़ी हुई काफी गलत फहमियां और सत्य होते हैं। ठीक उसी तरीके से ब्लीचिंग का प्रोसेस करते समय भी कई मिथक यानी कि गलत फहमियां लोगों को और लड़कियों को घेर लेती है। आइए जानते हैं उन गलत फहमियों के बारे में आज विस्तार से। पॉइंट नंबर वन, कई लोगों का कहना है कि ब्लीचिंग करना अपनी बॉडी के किसी भी एरिया पर काफी ज्यादा सुरक्षित होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लीचिंग काफी ज्यादा तेज होती है, इसीलिए कई बार सेंसिटिव स्किन पर अगर हम ब्लीच करते हैं तो स्किन पर तुरंत जलन होने लगती है। इसीलिए ब्लीच करने से पहले आपको उसके कंटेंट और उसके इंग्रीडियंट्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, कई लोगों का मानना है कि अगर हम अपने बालों पर ब्लीच करवाते हैं तो उसकी वजह से बालों की लेंथ रुक जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह केवल एक गलतफहमी है। हमारे बालों की लंबाई उनकी जड़ों के मजबूत होने से जुड़ी होती है। अगर हमारे बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कारण ब्लीचिंग प्रोसेस है। हो सकता है कि आपके बालों की ग्रोथ ही उतनी हो और हो सकता है कि आपके बालों की जड़ें कमजोर हों। पॉइंट नंबर थ्री, कई लोगों की यह गलतफहमी भी होती है कि ब्लीच करने से हमारा चेहरा गोरा हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लीच करने से आपके चेहरे पर ग्लो आ सकता है, लेकिन अगर आप चेहरा गोरा करने की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसी बेसिक गलतफहमियां जो लोगों को ब्लीच करते समय हो जाती हैं। इसीलिए आपको इन गलतफहमियों को अपने माइंड से निकालना चाहिए। मेरी ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।